शांति। आज की तारीख है 5/4/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाबा आए हैं हम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से, जहां हाय हाय है और हाहाकार है। हमें बाबा ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जहां पर जय जयकार है और हमारी भी द्वापर युग से लेकर के सभी जय जय करते हैं, अर्थात हमारी पूजा भी होती है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाने, अर्थात सारी दुनिया जो दुख और अशांति और जुल्म से हाय हाय कर रही है और प्रभु को पुकार रही है, तो उनका हाहाकार मिटाने और जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार और नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न है आज का, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते शाहूकार नहीं ले पाते? उत्तर है, ईश्वरीय नियम है पूरा बेघर बनो। हाँ, बाबा हमको ये नियम बताते हैं कि पूरे बेघर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, याद न रखो। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु शाहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद आते रहते वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते हैं, उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिलता। अतः याद रहे कि कहीं हमें भी धन दौलत मित्र संबंधी याद तो नहीं आते। अगर हमें भी याद आएंगे तो हम योगी बन करके एक बाप की याद में न रहेंगे, ना हमारे विकर्म विनाश होंगे और ना हमें स्वर्ग में ऊंच पद प्राप्त होगा। धारणा के लिए मुख्य दो बिंदु, एक बिंदु है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना और समझदार बनना है। अंदर में कोई खिटपिट ना हो, अंदर कोई भी विषय विकार की खिटपिट न हो। नंबर दो बिंदु है स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बनकर बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि को निकाल पूरा बेघर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। वरदान है आज सतगुरु का, उमंग और उत्साह के संकल्प के द्वारा, उमंग और उत्साह के संकल्प विचार के द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले संपूर्ण वर्षे के अधिकारी भव। बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा से संपूर्ण वर्षे का अधिकार लेने के लिए स्वयं को उमंग और उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, अभी जमा करने का समय है। इसलिए दृढ़ संकल्प करो, क्या करें कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। सिर्फ समय और संकल्प की बचत करते चलो, व्यर्थ और साधारण संकल्प न हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। फिर उसी प्रमाण सारे कल्प में राज्य भी करेंगे और फिर पूज्य भी बनेंगे। स्लोगन है आज का, मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं स्वप्न व संकल्प की पवित्रता ही, यानी स्वप्न में भी अपवित्रता का कोई दृश्य न देखें, संकल्प में भी कोई अपवित्र संकल्प न चले, तो स्वप्न व संकल्प की पवित्रता ही सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति।